एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फेशियल मसाज स्टेप बाय स्टेप। तो फेशियल मसाज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करोगे तो आपके कस्टमर को काफ़ी अच्छा ग्लो मिलेगा, या फिर आप खुद पे कर रहे हो तो भी काफ़ी अच्छा ग्लो मिलेगा। तो सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर की हुई हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। रुकिए, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी पार्लर का काम सीखना चाहते हैं, पार्लर से रिलेटेड चीज़ें पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए। और फिर भी कुछ ना समझ में आए, कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको भी क्लियर कर दूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फेशियल का मसाज स्टेप कैसे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं फेशियल मसाज पूरा स्टेप है इसमें, तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे मैं B1 का गुलाब जल यहाँ पे इनके फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे लूँगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आपके स्किन की जो एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होती है वो ईजिली रिमूव हो जाती है। तो ग्लिसरीन लगाए बिना क्लिंजिंग मिल्क मत कीजिएगा अप्लाई, वो वाला फाइल ख़त्म हो गया था। तो दूसरा ग्लिसरीन मैंने ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे B1 का एलोवेरा जेल वाला क्लिंजिंग मिल्क, ये ड्राई स्किन के लिए स्पेशली बनाया गया है। अगर आपके स्किन पे रिंकल फाइन लाइन है तो आप ऐसे कस्टमर को ये वाला एलोवेरा वाला क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है और अच्छे से मसाज करी। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया था। तो इस तरीके से पूरा मसाज कर रही हूँ मैं। ये मैं क्लिंजिंग मिल्क अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छे से मसाज करेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक, जिससे कि आपका जितना भी एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह है वो फेस से निकल जाए और उसके बाद से जो हम मसाज करेंगे वो अपना वर्क अच्छे से कर पाएगा। तो इस तरीके से मसाज करना, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रखा है इसलिए जल्दी जल्दी दिख रहा है, बट मैंने किया था बहुत आराम आराम से ही इसको। ओके, इस तरीके से आपको फोरहेड पे, गालों पे, आईज पे रिंग फिंगर से करना है आपको, नोज पे, हुडी पे, अपर लिप पे, इस तरीके से मसाज करते जाना है। फिर से थोड़ा सा पानी लिया है और अच्छे से मसाज करेंगे। जितना आप पानी ले लेते मसाज करो तो उतना ग्लो अच्छे से आएगा, उसकी जो क्रीम है वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो पाएगी और ये जो क्लिंजिंग मिल्क है वो आपके डर्ट वगैरह को अच्छे से रिमूव कर पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके अच्छे से मसाज करते जाना है। ओके, तो पूरा स्टेप बताने वाली हूँ तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। फेशियल मसाज की वीडियो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम फेशियल मसाज की वीडियो बनाइए, तो उसके लिए वेरी सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई, बट मैं वीडियो लेके आ गई हूँ। तो इस तरीके से पूरा मसाज किया था मैंने 6 से 7 मिनट तक। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पंज से पानी में इसको डिप करके एक्स्ट्रा पानी निकाल के पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग मसाज स्टार्ट करेंगे। मसाज करते टाइम अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपको क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे लगाना है वो बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले गुलाब जल अप्लाई किया है, V1 का गुलाब जल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्लिसरीन लगा रही हूँ जिससे कि एक्स्ट्रा डर्ट वर्ट है वो निकल जाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे विटामिन सी, गुड वाइब्स का विटामिन सी B3 क्रीम सीरम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अरोमा गोल्ड का मसाज क्रीम लूँगी, अरोमा गोल्ड का आलमंड मसाज क्रीम है ये, तो इतना मैंने ले लिया है। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, अब मसाज करना स्टार्ट करूँगी। अब हमारे स्टेप स्टार्ट होंगे तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया है और इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में मसाज करना है, नोज पे, अपर लिप पे, फोरहेड पे, सब जगह मसाज करते जाएंगे। आईज के अंदर ना चला जाए इसलिए आपको आई लेसेस के पास क्रीम को हटाते रहना है। ओके, इस तरीके से मसाज करते जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सारे स्टेप 2 से 3 मिनट देंगे और सारे स्टेप के बाद सेकुलर मूवमेंट वाला मसाज जरूर देना है। ये सेकुलर मूवमेंट मसाज कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ गर्दन को और गर्दन के पास के एरिया को बिल्कुल भी भूलना नहीं है और सबको अच्छे से मसाज देना है। अब हमको इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और इस तरीके से मसाज करना है, सेकेंड स्टेप है ये।
ओके। फोरहेड पे इस तरीके से करना है, गालों पे इस तरीके से करना है, ठोड़ी पे भी ऐसे करना है, इसी तरीके से पूरा मसाज देना है, गर्दन पे भी, और इसको भी 2 से 3 मिनट तक करेंगे। तो इस तरीके से पूरा फेस पे मसाज करेंगे। सेकंड स्टेप है ये हमारा। उसके बाद दोबारा से हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट वाला मसाज करेंगे। हर स्टेप के बाद आपको ये हथेली से मसाज जरूर करना है फेस पे। ओके, 1 से 2 मिनट तक फिर हथेली से मसाज करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। बार बार आँख के आसपास से क्रीम को हटा लेना है ताकि आँख में क्रीम ना चली जाए। उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं वैसे करना है इस तरीके से। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से टैप टैप भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो क्रीम है वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और आपका मसाज जो कर रहे हो वो अच्छा वर्क कर पाएगा। फिर से हम लोग सर्कुलर मूवमेंट वाला मसाज देंगे। नोज़ के ऊपर इस तरीके से करेंगे, आइज़ के नीचे, आइज़ के ऊपर, फोरहेड पे और गालों पे इस तरीके से मसाज कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे चौथे स्टेप की तरफ। तो पहले से हर स्टेप के बाद आपको सर्कुलर मूवमेंट वाला मसाज देना ही देना है। इससे आपकी स्किन के डर्ट निकल जाते हैं, एजिंग को कंट्रोल करता है और आपका जो स्किन है वो टाइट होने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप अगर ब्लीच वगैरह नहीं छूट करता तो आप मसाज ले सकते हो। इस तरीके से आपको फोर्थ स्टेप देना है। इसमें आपको स्किन को हल्का हल्का पकड़ के ऐसे खींचना होता है। उसके बाद दोबारा से सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे पांचवें स्टेप की तरफ। इस तरीके से आपको पांचवा स्टेप देना है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। लास्ट में हम लोग प्रेशर पॉइंट देना है। तो प्रेशर पॉइंट मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि कोई आ गया था इनके घर से बुलाने के लिए। तो लास्ट में हमने उनका प्रेशर पॉइंट दिया नहीं दिया था और साफ कर दिया था। इनको जाना था, प्रेशर पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है मसाज में ग्लो लाने के लिए, फेशियल में ग्लो लाने के लिए। तो प्रेशर पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। अब लास्ट में हम लोग इस तरीके से गुलाब जल अप्लाई कर देंगे और टैप टैप करके टॉवल से पोंछ लेंगे। और ये हमारा कम्प्लीट हो गया फेशियल मसाज। तो आई होप की वीडियो पसंद आया हो। आप प्रेशर पॉइंट की वीडियो देख लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेशर पॉइंट मैंने इनमें नहीं दिया है क्योंकि इनको लेट हो रहा था और कोई आ गया था बुलाने के लिए। तो जल्दी जल्दी मैंने इनको इनका फेस से क्रीम हटा दिया था। प्रेशर पॉइंट के लिए अलग से वीडियो अपलोड हो रखी है, फेशियल मसाज प्रेशर पॉइंट कैसे देते हैं, तो वो वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम और भी बता दूंगी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।